नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 23 अगस्त और साथियों इस समय के इस वीडियो के तहत शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी आपको 4 से 5 महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते इस समय की महत्वपूर्ण अपडेट्स। सबसे पहले अपडेट है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा समझ जिले विषय में U22-24-25 का प्रमाणीकरण और U22-24-25 के डाटा फीडिंग के संबंध में विषयांतर में U22+23-24 के यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रमाणीकरण का कार्य विद्यालय ब्लॉक और जिला द्वारा पूर्ण कर लिया गया, भीलवाड़ा और सापुरा जिले का छोड़ करके। U22+24-25 के स्टूडेंट मॉड्यूल के अंतर्गत स्टूडेंट प्रोग्रेशन का जो कार्य है वो विद्यालय लॉगिन पर प्रारंभ हो चुका है और U22-24-25 के सभी मॉड्यूल स्कूल प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल, न्यू U22 कोड अलॉटमेंट एक्सेट्रा स्टूडेंट प्रोग्रेशन कार्य पूर्ण होने पर ही खोले जाएंगे। तो उनको लेकर के यहाँ पर अपडेट है, आप देख सकते हैं वीडियो को स्क्रीन में। और इसके बाद में बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन है आलोक राजी, उन्होंने कहा है सीटी एग्जाम के संदर्भ में अभी तक मिले बहुत सारे फीडबैक, ऑनलाइन फॉर्म्स की अभी तक की भरी हुई संख्या में कमी और विभिन्न वर्गों के कैंडिडेट्स की सफल और असफल होने की संभावना के विश्लेषण के बाद बोर्ड ने निर्णय किया है कि सीटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाए और विज्ञप्ति से संबंधित शीघ्र जारी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग से संबंधित पहले विज्ञप्ति जारी हुई थी उसको लेकर के इन्होंने निर्णय बदला है, संशोधित। आप देख सकते हैं इसमें नेगेटिव को हटाने की बात इन्होंने कही है। और इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक भीलवाड़ा की ओर से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला भीलवाड़ा शापुरा बदनौर ब्यावर से संबंधित अपडेट ये स्थायीकरण में विलंब के कारण कार्मिकों के वेतन नियमन बाबत विषयांगत शिक्षकों के स्थायीकरण में कई बार विलंब हो जाता है, जिससे पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों अथवा वेतन आयन वितरण अधिकारी द्वारा शिक्षकों के वेतन नियमन नहीं किया जाता है। अतः समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को पाबंद करे कि जिन शिक्षकों का 2 वर्ष का परीक्षा का नियमित और संतोषजनक पूर्ण हो चुका है तथा जिन शिक्षकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई ना तो विचाराधीन है और ना ही प्रस्तावित है, उन शिक्षकों के 2 वर्ष की परीक्षा काल की अवधि पूर्ण होने के बाद वेतन नियमन उपयुक्त शर्तों के अधीन किया जाए। तो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभ भीलवाड़ा संबंधित यह स्थायीकरण में विलंब के कारण कार्मिकों के वेतन नियमन को लेकर के अपडेट। और इसके बाद में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय आदेश में यहाँ पर शासन के पत्रांक यहाँ दिए हुए हैं। 4-24 की पालना में अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग में प्रतिनियुक्ति शिक्षा विभाग के कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। यहाँ पर नाम कर्मचारी और प्रतिनियुक्ति कार्यालय, इस प्रकार से अपडेट आप देख सकते हैं ये लिस्ट। और संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रोक्त वर्णित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त कर प्रतिनियुक्ति से पूर्वक कार्यरत स्थल के नियुक्त अधिकारी कार्यालय में उपस्थित देने हेतु पामन करें। और यहां पर ये और अपडेट निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर संबंधित आदेश यहां पर कार्य निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक रिव्यू DPC 21-8-24 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालय सेवा नियम 99 के नियम 32 और 33 के अंतर्गत सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर वर्ष 19-20 से 23-24 के पुनरावलोकन में की गई अनुशंसा के आधार पर रिव्यू डीपी से तो आयोजित विभागीय पदोन्नति चयन समिति के आदेश दिनांक 21-8-24 द्वारा अनुमोदन किए जाने पर अभ्यर्थियों को चयन तिथि 1 अप्रैल 23 से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी चयन किए जाने के फलस्वरूप कार्मिकों को पदस्थापित किया जाता है। तो ये लिस्ट है उनकी, आप देख सकते हैं। और निर्देश यहां पर इसके बाद में अगली अपडेट है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती 22 के अंतर्गत अंग्रेजी में अंतिम रूप से चयनित और अभिस्थापित कुल 6 मुख्य सूची से 6 अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्देश अनुसार मंडल या शंभा काउंटर हेतु प्राथमिकता विकल्प ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो अभ्यर्थी मंडल शंभा काउंटर हेतु प्राथमिकता विकल्प विभागीय लिंक राजशाला दर्पण .nih.in पर जाकर के स्टाफ विंडो और स्टाफ सिलेक्शन पर जाकर के दिनांक 23 अगस्त से शाम को 4 बजे से 25 अगस्त 6 बजे तक यहाँ पर भर सकते हैं और इसके बाद में ये जो लिंक है स्वतः ही बंद हो जाएगा। और किसी को इससे संबंधित समस्या है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP का संदेश यदि नहीं आता है
तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नाम से स्वताक्षर आधार कार्ड की छाया प्रति और विभाग की ईमेल आईडी juniorteacher.secondeducation@gmail.com पर प्रेषित करें, जिससे कि मोबाइल नंबर में संशोधन किया जा सके और मंडल प्राथमिक विकल्प आसानी से भरा जा सके। और ये लिस्ट है उनकी, आप देख सकते हैं, इंग्लिश के 6 अभ्यर्थी मंडल आवंटन हेतु। और राज्यपाल कुलीय शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से भी अपडेट है, शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए स्नातकोत्तर पूर्वा सेमेस्टर प्रथम के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में अभी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना प्रारंभ होने की तिथि, अंतिम तिथि और महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि आप देख सकते हैं। शिक्षण कार्य प्रारंभ 26 सितंबर 2024, इस प्रकार से लिस्ट। तो साथियों ये थी इस वीडियो में इस समय की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।